हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन इतिहास। इसमें अपना चल रहा है मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल साम्राज्य जो है अपना स्टार्ट हुआ है, जिसमें अपन ने बाबर को पढ़ लिया है। बाबर के बाद अपन को हुमायूं पढ़ना है और इसी तरीके से हर दिन अपन एक एक बादशाह करके अपन पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने आज हुमायूं वाला पार्ट आप पढ़ने वाले हो। हुमायूं के बारे में बता दूं कि हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था और भाई बाबर जो है बाबर के चार पुत्र थे। चार पुत्रों में से अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा हुमायूं और इसके जो बाकी पुत्र थे, तो बाबर के कहे अनुसार हुमायूं क्या करता है, अपने राजपाट को चारों भाइयों में बराबर बांटता है। और बांटने के बाद ये क्या होता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं चल पाता, क्योंकि आपको पता है पूरा साम्राज्य चार भागों में बटा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इसका मतलब वो हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बाबर के टाइम पर आपको पता है फिर से अफगान साम्राज्य की स्थापना होता है, जिसमें शेरशाह सूरी मतलब अफगान साम्राज्य की नींव फिर से डालता है। तो आपसे क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा, सबसे पहले देखते हैं हुमायूं के बारे में, हुमायूं के द्वारा क्या काम किए जाते हैं। हुमायूं जो है ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और ये क्या करता था, हर दिन नए मतलब अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर जाता था दरबार में। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें मदपान की, सबसे ज़्यादा अगर शराब की बात करें, तो हुमायूं ही सबसे ज़्यादा मदपान सेवन करता था। ये आपको वैसी जनरल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले हुमायूं 1530 से 1540 में बनता है और उसके बाद 1555 से 1556 में फिर से मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। इसमें आपको देखना है हुमायूं अपने साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट देता है। कामरान को काबुल और कंधार देते हैं, हिंदाल को ये मेवाड़ देता है, अस्करी को यूपी के क्षेत्र दे देता है, ठीक है। इस तरीके से इसने अपने अपने भाइयों में बाबर के कहे अनुसार, ऐसा होता है ना कि पिता जब खत्म होते हैं और अंतिम स्थिति में जब रहते हैं, तो कहते हैं कि बेटा इन छोटे भाइयों का ध्यान रखना, इस तरीके से वो भी कह के गया था। तो वो अपने पाप जो बाबर पिता थे उनका जो अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके तीन जो भाई थे इनके द्वारा क्या था, इसकी कमजोरी का फायदा उठाया गया अलग अलग तरीके से और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाता है, ठीक है, ये याद रखना है। हुमायूं के सैन्य अभियान याद रखना है, कालिंजर अभियान 1531 में, चुनार अभियान दो बार चलाता है 1532 और 1535 में। 1535 में ये बहादुर शाह को चुनार यानी कि यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर इसको पराजित कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह यहाँ पर पराजित होते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं चौसा का युद्ध, ये याद रखना है, चौसा का युद्ध 1549 एडी में होता है। इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं की क्या होती है, यहाँ पर पराजय होती है, हुमायूं की क्या होती है, हार, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं निजाम सक्का, इसमें क्या होता है, जब चौसा के युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से परास्त हो जाता है तो इसको क्या होता है, उस क्षेत्र को मतलब छोड़ने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है निजाम सक्का बिस्ती। ये इसको कर्मनास नदी है को ये पार करवाकर इसको वापस भेज देता है इसके राजपाट में। तब ये हुमायूं से बदले में मतलब एक वादा मांगता है कि आप मुझे बस एक दिन के लिए मुगल साम्राज्य का शासक बना दीजिए। तो ये उनने इनकी जान बचाई थी, इस कारण से हुमायूं क्या करता है, जो निजाम सक्का बिस्ती है इनको शासक बना देता है एक दिन का। तो पूछा जाता है कि एक दिन का बादशाह किसे कहते हैं, एक दिन का बादशाह आपको याद रखना है कौन है, निजाम सक्का बिस्ती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये मुगल डायनेस्टी से ही संबंधित है। हुमायूं की हेल्प की थी निजाम सक्का बिस्ती ने, इस कारण से हुमायूं ने कहे मतलब उसके वादा अनुसार हुमायूं ने उसे एक दिन का शासन संभालने के लिए दिया था। तो ये याद रखना है निजाम सक्का बिस्ती, इसके द्वारा मुगल दरबार में चमड़े के सिक्के चलवाए। भाई एक दिन के लिए आया और इतना मतलब अपनी छाप छोड़ने के लिए इसने क्या किया, चमड़े के सिक्के चलवा दिए, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध याद रखना है 1549 एडी में, वही कन्नौज या इसको बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, इसमें भी शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं की हार होती है और यहाँ पर पूरी तरह से जो मुगल बादशाह है यानी कि मुगल साम्राज्य वो समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एक नए साम्राज्य यानी कि अफगान
फिर से शेरशाह सूरी अफगान साम्राज्य की नींव डालता है, ये आपको याद रखना है। तो इसी के बीच में पढ़ना होता है शेरशाह सूरी को, इसको कल कंप्लीट करेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है। जिसमें आपको याद रखना है कि दोनों युद्ध याद रखना है, किन्नर के बीच में हुए, शेरशाह सूरी जीतता है दोनों में, और हुमायूं को क्या करना होता है कन्नौज के युद्ध के बाद, इसको यानी कि भारत छोड़कर जाना पड़ता है, और ये सबसे पहले पहुंचता है अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है ये याद रखना है, तो एक प्रेजेंट में अमरकोट पाकिस्तान में आता है, और ये वहाँ के राजा यानी कि राणा बीरसाल, ये याद रखना है, राणा बीरसाल के दरबार में जाकर शरण लेता है। यहाँ पर ही राणा बीरसाल के दरबार में पहुँच कर क्या करता है, ये हमीदा जो बानो बेगम थी उनके साथ इनकी शादी होती है, और अकबर का जन्म यहीं पर होता है, यानी कि अमरकोट के राजा के जो महल है वहाँ पर उसका जन्म होता है अकबर का, ठीक है। 1545 में फारस वाले रीजन में पहुँचता है, और ये क्या करता है काबुल पर अधिकार कर लेता है। इससे इनके मन में एक विश्वास जागता है कि नहीं, अब फिर से भारत लौटना चाहिए, और फिर से कोई युद्ध करना चाहिए, और अपनी खोई हुई सत्ता और खोई हुई इज्जत वापस लेनी चाहिए। तो ये फिर से 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है, इसमें हुमायूं का सेनापति बैरम खां जीतता है, और सिकंदर सूरी का सेनापति तातार खां हार जाता है। सिकंदर सूरी यानी कि ये जो शेरशाह सूरी है ना, उसी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आपको पता है शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो सूरी यानी कि अफगान साम्राज्य है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या है कोई अच्छे जो है उत्तराधिकारी नहीं रहते हैं इस कारण से, ठीक है। तो इसी मौके का फायदा उठाता है हुमायूं, इसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध याद रखना है। किस युद्ध के बाद ये पूछा जाता है, किस युद्ध के बाद हुमायूं के द्वारा खोई हुई सत्ता वापस जीती गई, यानी कि वापस गद्दी पर बैठता है। तो ये सारे हिंदी के युद्ध के बाद हुमायूं फिर से राजा बनता है, यानी कि फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, और यहाँ पर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके द्वारा बनवाए गए दीप बनाए नगर दिल्ली में है, उसी पुस्तकालय से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि हुमायूं को जनता से और जनता को नहीं, हुमायूं को इसके बारे में कहा जाता है, सॉरी ये कहा जाता है कि गिरते पड़ते उठते हुमायूं को क्या होता है यानी कि इस जीवन से मुक्ति मिली, ये इनके बारे में कहा जाता है। तो ये आपका हुमायूं का जो पाठ था वो पूरा हो गया। हुमायूं नामा आपको याद रखना है, गुलबदन बेगम और हमीदा बानो बेगम से इनकी शादी होती है, ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। गुलबदन जो बानो बेगम थी वो हुमायूं की बहन, मतलब बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट, ठीक है। कल इसमें आप पढ़ोगे अकबर थोड़ा लंबा चलेगा, अकबर के बारे में पूरी जानकारी। तो इसी तरीके से वीडियो को आप देखते रहिए, दोस्तों को बनाइए, बताइए, चैनल लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।